मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि परम पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज को इस वर्ष के श्री कैलक संस्कृत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वामी जी एक परम संत हैं, इनलाइटेंड हैं, आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, योग गुरु लेखक तथा समाज सुधारक भी हैं। मैं उन्हें इस युग में अवतरित हुए एक ऐसे चिंतक और महापुरुष के रूप में देखता हूँ जिन्होंने सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों को ऊंचाई प्रदान करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। देववाणी संस्कृत को समाज में पुनः लोकप्रिय बनाने और उसकी महत्ता को पुनर्स्थापित करने में भी स्वामी जी ने अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन सदैव किया है। और मैं मानता हूँ कि लेखनी लक्षित लोगों तक अपने विचार पहुँचाने की एक सशक्त विधा है। इस दिशा में भी स्वामी जी ने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के उपयोग के द्वारा सनातन धर्म के अनमोल दर्शन को सहज और सरल शब्दों में विश्व भर के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने में सफलता पाई है। स्वामी जी ने निरंजनी अखाड़े के लाखों नागा साधुओं तथा हजारों महामंडलेश्वरों को दीक्षा देते हुए समाज को भी सच्चे मन से ध्यान तथा आराधना के लिए सदैव प्रेरित किया है। कुछ महीने पूर्व मुझे उनके विचारों को पढ़ने का अवसर मिला। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में युवाओं का आह्वान करते हुए एक बार कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार ही सबसे बड़ी प्राथमिकता समाज की होनी चाहिए। मुझे खुशी है जब स्वामी जी ने युवाओं को संत परंपरा से सीखने के लिए प्रेरित किया और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि संपूर्ण विश्व में संत परंपरा से ही भारत की पहचान रही है और इसी परंपरा से वर्तमान में संपूर्ण समाज तथा युवाओं को मार्गदर्शन मिल पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक वैदिक सम्मेलन में भाग लेने का अवसर हरिद्वार में मिला था। मुझे प्रसन्नता है कि भारत जिस तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है उसका असर जनमानस को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य अब जीवंत हो रहे हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ आज समाज का हर एक वर्ग सनातन धर्म के तत्वों को संरक्षित करने में अपने को आगे ला रहा है और अपनी प्राचीन ताकत को विकसित कर भारत की यात्रा का मजबूत आधार बनाने का प्रयत्न भी कर रहा है। पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, मैं मानता हूँ कि इसके एक जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रखा है और इसलिए आप सबसे मेरा पहला आग्रह होगा कि हम एकजुट समाज के रूप में सेवा का व्रत लें। अभी स्वामी जी ने भी एक श्लोक के माध्यम से सेवा के बारे में बताया। अथर्वेद में हमारे यहाँ कहा गया है, सतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर, सौ हाथों से कमाओ और हजार हाथों से दान करो। हमारी संस्कृति में करुणा और परहित को सर्वोपरि माना गया और यह चिंतन व्यवहारिक जीवन में जरूरतमंद का सहारा बने, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। मेरा दूसरा आग्रह भी सामूहिक संकल्प का आग्रह है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचे तथा यह लाभ सभी लोगों के बीच बराबर पहुँचे और इस दौरान होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रबंध किया जाए। मैं मानता हूँ कि इस विकास यात्रा में समता और न्याय को सक्षम बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका संतों की होगी, जो नागरिकों की अंतरात्मा के संरक्षक हैं। और मेरा तीसरा आग्रह है,
कि समाज को समृद्ध बनाने के लिए सामाजिक जागृति की भी उतनी ही आवश्यकता है। और यजुर्वेद में तो हमारे यहाँ कहा गया, जाग्रीवांश समिंध्यते, जागरूक साधक ही परमात्म ज्योति को प्रकट करते हैं। और यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति, बुद्धिजीवियों, संतों पर निर्भर है कि वे एक विकसित समाज और उसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। मैं समझता हूँ कि उज्ज्वल भविष्य की गारंटी तभी तय होगी जब हम जागृति के साथ अपने शाश्वत मूल्यों को पुनर्स्थापित कर पाएंगे। मेरा चौथा आग्रह है कि हम नीत स्वार्थों से ऊपर उठें और अपने नीति निर्माताओं, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगावें। और ऋग्वेद में हमारे यहाँ प्रार्थना की गई, अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरः, मेरे दाएं और बाएं दोनों हाथ बड़े भाग्यशाली हों। शांति और समृद्धि की तलाश जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व की मांग करती है। और जहाँ व्यक्ति निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर स्व प्रेरणा से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठ खड़ा होता है। और मेरा पांचवा आग्रह है कि संत समाज और प्रबुद्ध जन, संघर्ष मुक्त समाज, स्ट्राइव फ्री सोसाइटी के लक्ष्य को स्थापित करने में योगदान दें। तभी देश आगे बढ़ पाएगा। यदि हम हर दिन एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और मतभेदों को सुलझाने में अपना समय व्यतीत करेंगे तो विकास के लिए समय कम पड़ जाएगा और इस स्थिति का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। आप इसी तरह संस्कृत समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहें, मेरी माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना है। इतनी बात कह करके आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।